नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। वैसे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके पड़ोसी राज्यों से बड़ी मात्रा में शराब की खेप बिहार पहुंच रही है। हर दिन भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसी बीच सिवान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोगों ने एक कार से शराब की जमकर लूट की है। लोगों में शराब लूटने की ऐसी होड़ मची कि मिनटों में ही पूरी की पूरी कार खाली हो गई। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मझौली रोड की है। दरअसल यूपी की सीमा से सटे होने के कारण मैरवा थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से शराब की तस्करी होती है। तस्कर बड़े ही आराम से यूपी से शराब की खेप लेकर बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को मैरवा थाना क्षेत्र के मझौली रोड के रास्ते कार सवार तस्कर यूपी से शराब की खेप लेकर बिहार की सीमा में घुसे थे। इसी दौरान मैरवा पुलिस ने तस्करों की कार को रोका, लेकिन तस्कर तेजी से भागने लगे। बीच रास्ते में तस्कर कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस उनका पीछा कर रही थी। इसी बीच खुली कार में शराब की खेप देख लोग शराब की लूट करने लगे। जिसके हाथ जितनी शराब की बोतलें लगी वह लेकर फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस को शराब लूट की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस शराब लदी कार के पास पहुंची, शराब लूट रहे लोग भी मौके से फरार हो गए। शराब लूट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक बार आप भी देख लीजिए कि कैसे लोगों ने खड़ी कार से शराब को लूटा। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।